नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1015वां एपिसोड। आज 22 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। कल विराट कोहली ने अपने 500वें टेस्ट मैच में शतक लगाया, लेकिन इस शतक का फायदा सीधे तौर पर आरसीबी को हो गया। क्या है ये पूरा मसला और न्यूज आज इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 आईपीएल को लेकर एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। आज दिनभर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से तो यह रिपोर्ट आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। यार देखो, ऋषभ पंत के हवाले से अब रोज जो अपडेट्स निकल कर आ रही है वो एक पॉजिटिव न्यूज लेकर आ रही है। हालांकि वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, क्या एशिया कप में उपलब्ध होंगे इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कल कि इन्होंने ऋषभ पंत ने बैटिंग और कीपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वो नेट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले बीसीसीआई ने यह भी अपडेट दिया है कि जसप्रीत बुमराह और प्रशित कृष्णा में भी जो है नेट्स को ज्वाइन कर लिया है। सीधी बात है दोस्तों कि ये जो तीन बड़े नाम है अगर ये प्रैक्टिस शुरू कर गए हैं तो एक अच्छी खबर तो यह है कि इनमें से मोस्टली प्लेयर्स जो इस समय चोटिल चल रहे हैं वो वर्ल्ड कप तक अवेलेबल हो जाएंगे। ऋषभ पंत होंगे या नहीं होंगे इस पर सवाल है, चांसेस तो नाके ही ज्यादा है। लेकिन जो दूसरी अच्छी खबर है वो आईपीएल 2024 को लेकर यहां से आई है, क्योंकि अगर ये लोग, ये जितने भी प्लेयर्स इस समय चोटिल हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो बुमराह हो, प्रशित कृष्णा हो, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, अगर ये अभी से प्रैक्टिस शुरू कर गए हैं, मतलब 2024 का आईपीएल ये पांचों प्लेयर खेलने वाले हैं, तो अच्छी खबर है इंडियन क्रिकेट के लिए, पांचों के लिए लाइक जरूर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है युवराज सिंह के हवाले से। साल 2008 जब पहला सीजन आईपीएल का हुआ तो युवराज सिंह किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का हिस्सा बने। लगभग 4-5 सालों तक उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में खेले, कप्तानी तक की। अब इन्होंने एक बयान दिया है अपने किंग्स इलेवन पंजाब के समय अपने आईपीएल करियर का। उन्होंने कहा, आई वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम पंजाब, मैनेजमेंट डिडंट लाइक मी। मैं पंजाब छोड़कर भागना चाहता था, मुझे अपना पंजाब राज्य बहुत पसंद है, लेकिन जो टीम थी किंग्स इलेवन पंजाब की और उसका जो मैनेजमेंट था, उसके जो मैनेजर्स थे, स्पोर्ट्स मैनेजर्स थे या फिर उसके जो मालिक थे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। युवराज सिंह ने ये भी कहा कि वो जिस तरह की टीम चाहते थे उन्हें उस तरह की टीम बनाकर नहीं दी गई, जिस तरह का कोचिंग स्टाफ चाहते थे उस तरह का कोचिंग स्टाफ बनाकर नहीं दिया गया। अब युवराज सिंह के इस बयान से आप कितना सहमत है, क्या आपको भी लगता है कि पंजाब के खराब प्रदर्शन और बुरे फॉर्म का जो कारण उनका मैनेजमेंट, उनके मालिक हैं? आप भी अपनी राय इस पर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। देखो यार, एशिया कप आ रहा है, सारी अपडेट सारी रिपोर्ट सबसे पहले मिलेगी, वर्ल्ड कप की एक एक खबर एक एक रिपोर्ट सबसे पहले वहां पर हम डाल रहे हैं, और आईपीएल का तो भैया 24 घंटे 12 महीने बुलेटिन चलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए अभी ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रिलायंस ने एक बड़ा क्लेम किया है, इस साल आईपीएल के लाइव और डिजिटल मीडिया राइट्स जो थे, लाइव स्ट्रीमिंग के जो राइट्स थे, वो जियो सिनेमा के पास थे। अब इसी को लेकर रिलायंस ने एक और क्लेम कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इस साल जो जियो सिनेमा का रेवेन्यू है वो टीवी के रेवेन्यू से ज्यादा हुआ है और 13 गुना ज्यादा एड्स चले। जियो सिनेमा ने कहा है कि जितना पैसा टीवी से डिज्नी हॉटस्टार ने कमाया है, स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कमाया है, उससे ज्यादा पैसा माफ कीजिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर जियो सिनेमा वालों ने कमाया है। अभी तक कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, ना ही जियो सिनेमा के आईपीएल रेवेन्यू के और ना ही डिज्नी हॉटस्टार के आईपीएल एड रेवेन्यू के, लेकिन एक आंकड़ा यह सामने आया है कि जितने एड्स स्टार स्पोर्ट्स पर चले थे उससे 13 गुना ज्यादा एड्स जो है वो जियो सिनेमा पर चले थे। आपको बता दूं दोस्तों कि टीवी पर एड चलाना मुश्किल होता है, लेकिन ऑनलाइन एड चलाना आसान होता है, और मल्टीपल छोटे से लेकर बड़ा ब्रांड हर कोई ऑनलाइन एड्स चला सकता है जियो पर जाकर, एंड दैट्स व्हाई फायदा जियो सिनेमा वालों को हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है मोइन अली को लेकर। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का अभिन्न हिस्सा है मोइन अली, एक बड़ी बात कह रहे हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर। दरअसल दोस्तों मोइन अली ने अपनी आईपीएल 11 चुनी है, जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जो उन्हें लगता है कि चेन्नई के ऐतिहासिक सबसे अच्छे प्लेयर रहे। मोइन अली ने चेन्नई सुपर किंग्स की जो 11 चुनी है उसमें ऋतुराज गायकवाड़, शेन वॉटसन,
रैना, राइडू, हसी, एम एस धोनी, जडेजा, ब्रावो, भज्जी, दीपक चहर और जॉर्ज हेजलवुड को रखा है। अब इनमें से किस खिलाड़ी के नाम से आप संतुष्ट हैं और किस खिलाड़ी को लेकर आपको लगता है कि इसका नाम तो होना ही चाहिए था? अपनी राय चेन्नई की इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 पर जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखना, यूट्यूब ने आपके लिए दिया है नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। इंडिया पाकिस्तान बड़ा वर्ल्ड कप मैच होगा अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को, और इस वर्ल्ड कप मैच को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है वो सचमुच हैरान करने वाली है, क्योंकि फैंस पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट ये है कि अहमदाबाद की 15 तारीख की सारी होटल्स बुक है, फ्लाइट्स के रेट भी 10-10 गुना हो चुके हैं और होटल्स के रेट तो 70-70 हज़ार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो ही चुके हैं। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट कल ये निकल कर आई कि लोगों ने हॉस्पिटल के कमरे तक बुक कर लिए, कई लोगों ने हॉस्पिटल के बेड्स बुक कर लिए, अपना फुल बॉडी चेकअप करवाने का नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल के बेड बुक करे हैं 15 अक्टूबर को। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप फुल बॉडी चेकअप कराने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई बड़े अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो आपको एक दिन का स्टे मिलता है और उस पूरे एक दिन के स्टे में आप अपना बॉडी चेकअप कराते हैं। तो कई लोग अपना बॉडी चेकअप के नाम पर वहां जाएंगे, चेकअप भी कराएंगे, मैच देखने भी आएंगे, और ये स्थिति सचमुच अच्छी नहीं है। क्योंकि यार देखो, अगर कोई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है ना तो होटल्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी, नहीं तो लोग सोएंगे कहाँ भाई, क्या सड़क पर सोएंगे? क्योंकि ये स्थिति अगर होती है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो इंडिया पाकिस्तान मैच का जो क्रेज है ना वो श्रीलंका भी पहुंच चुका है। अहमदाबाद की स्थिति तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कोलंबो की स्थिति भी कुछ वैसी ही नजर आ रही है। 2 और 3 सितंबर की सारी कोलंबो की फ्लाइट इस समय बुक हो चुकी है। कैंडी में 2 तारीख को मैच है, 80% इंडियंस ने जो फ्लाइट टिकट्स है वो कोलंबो की बुक कराई है। मतलब ये जो कैंडी में इंडिया पाकिस्तान एशिया कप ओडीआई मैच होगा इसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी लोग पहुंच रहे हैं। कोलंबो की सारी होटल्स 2-3 सितंबर को बुक हो चुकी है। तो जैसी स्थिति हम अहमदाबाद में देख रहे थे वैसी ही कुछ स्थिति कोलंबो श्रीलंका में भी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों क्योंकि श्रीलंका की स्थिति इस समय अनस्टेबल चल रही है, गवर्नमेंट के रूप में वहां पर क्लैशेस चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उतने ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कंफर्म्ड है, जो रिपोर्ट्स आई है 80% इंडियंस आपको स्टैंड्स में बैठे हुए नजर आएंगे, विच इज अ गुड न्यूज लाइक बनता है इस खबर के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने 500वें टेस्ट मैच में विराट कोहली ने शतक लगाया। इस शतक के बाद पूरे देश में तो वाहवाही हुई विराट कोहली की, जो कि हर रोज होती है, लेकिन फायदा हो गया आरसीबी की टीम को। दरअसल दोस्तों जियो सिनेमा का एक ऐसा आंकड़ा निकल कर आया जो आरसीबी को अब मालामाल करने वाला है। जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, शतक पर पहुंचने वाले थे, तो 3 करोड़ कॉनकरेंट व्यूवर्स जियो सिनेमा पर मैच देखने लग गए। इन्होंने ये जो कॉनकरेंट व्यूवरशिप का जो आंकड़ा आया इस टेस्ट मैच में, इसने आईपीएल फाइनल के आंकड़े तक को टक्कर दे दी। मतलब जो आईपीएल फाइनल को जितने लोग कॉनकरेंट देख रहे थे, लगभग उतने ही लोग विराट कोहली की इस 100 इनिंग को देख रहे थे। और यह आंकड़ा बताता है कि विराट कोहली कितना बड़ा नाम बन चुका है। सिर्फ विराट कोहली के शतक को देखने के लिए 3 करोड़ कॉनकरेंट व्यूवर्स थे। इसका फायदा आरसीबी को अगले आईपीएल में मिलेगा, क्योंकि इस आंकड़े के तहत अब आरसीबी अपने एड रेवेन्यू की ज्यादा डिमांड कर सकती है। मतलब अपने जो जितने भी ब्रांड्स हैं, जो इनके टी शर्ट्स पर ब्रांड लगते हैं, जर्सीज पर ब्रांड्स लगते हैं, जो इनकी पार्टनरशिप्स होती हैं, उनसे ये एक्स्ट्रा 20-30% ज्यादा पैसा ब्रांड से मांग सकती है आरसीबी, जिससे आरसीबी की कमाई 20-30% अगले आईपीएल में बढ़ जाएगी। तो ये आंकड़ा 3 करोड़ कॉनकरेंट व्यूवरशिप विराट के नाम पर आना, ये बताता है विराट कितनी बड़ी चीज है। और भैया विराट कोहली के लिए लाइक जरूर बनता है, क्योंकि यार देखो आज की स्थिति में चाहे आईपीएल हो चाहे दुनिया का क्रिकेट हो, सिर्फ 2-3 लोगों के नाम पर चल रहा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करना, लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से अब बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है वर्ल्ड कप 2023 की टिकट्स के हवाले से। अभी तक आईसीसी ने वर्ल्ड कप की टिकट्स का ऐलान नहीं किया है, कितने में कौन सी टिकट मिलेगी ये तो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आ गई है, लेकिन टिकट्स अवेलेबल होना अभी तक चालू नहीं हुआ है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इस पर आईसीसी ने बड़ी अपडेट दी, उन्होंने कहा वी आर मॉडर्नाइजिंग द टिकट सिस्टम, दैट इज व्हाई इट टेकिंग लिटिल लॉन्गर। इस हफ्ते टिकट सिस्टम चालू हो जाएगा, टिकट सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इसमें टाइम लग रहा है, ये बोलना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। आपको बता दूं दोस्तों कि टिकट सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। जब भी बड़े मैचेस
चार्जेस होते हैं। कई लोग मल्टीपल टिकट्स एक साथ खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको 10-10 गुना ज़्यादा रेट्स पर बेचते हैं। स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है ना अहमदाबाद में, उसकी टिकटिंग में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई आदमी 70,000 रुपये एक होटल रूम के दे सकता है तो वो टिकट के लिए भी अच्छी खासी पैसा चुका ही देगा। एंड दैट्स व्हाई भैया इसका फ़ायदा ब्लैक मार्केटिंग उठाएंगे। और इसी चीज़ को कन्वे करने के लिए ICC ने अभी तक टिकट बुकिंग प्रोसेस चालू नहीं की है और मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देखना, क्या आप मैच देखने गए और गए हैं तो ब्लैक टिकट लेकर गए हैं या व्हाइट टिकट लेकर गए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखकर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो यह खबर आ रही है टीम इंडिया के नए कप्तान के हवाले से। सूर्यकुमार यादव करेंगे लीड, पंड्या को मिलेगा आराम। आयरलैंड के खिलाफ जो भारत सीरीज खेलेगा उसमें भारत के बड़े चेहरे नजर नहीं आएंगे। हालांकि जो आयरलैंड टूर था पहले भी हुआ था उसमें हार्दिक पंड्या एज ए कैप्टन बनकर गए थे, लेकिन इस बार हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों को रेस्ट दिया जा सकता है। भारत के बड़े चेहरे आयरलैंड का ये जो मैच, ये जो सीरीज होगी इसमें नहीं दिखेंगे और सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। यहां से एक चीज और निकल कर आई कि सूर्यकुमार यादव के अंदर भी भविष्य का पोटेंशियल कप्तान देखा जा रहा है BCCI के द्वारा। और मुंबई इंडियंस भी इस खबर से खुश होगी क्योंकि अगर आने वाले कुछ सालों में रोहित शर्मा का सिक्का नहीं चलता है इंडियन प्रीमियर लीग में, देन सूर्यकुमार यादव भी अच्छा विकल्प है मुंबई की कप्तानी के लिए। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो जैसा कि हमने कहा था वैसा ही हुआ। इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही वेस्ट इंडीज की बैंड बज गई। 438 रन भारत ने लगा दिए, विराट कोहली ने ऐतिहासिक शतक लगाया, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम 352 रनों से इस समय ट्रायल कर रही है, पीछे है। क्या वेस्ट इंडीज इस मैच में करेगा वापसी, क्या होगा बताओ आप कमेंट बॉक्स में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर IPL और क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।